दिल्ली की तर्ज पर मुंबई में सस्ती बिजली देना वास्तविकता में संभव नहीं, एनसीपी ने ये भूमिका लेकर कांग्रेस को मुंह के बल गिराया है। अब देखना यह है कि सरकार की कमेटी इस पर अंतिम फैसला क्या लेती है। सरकार नकल से नहीं अकल से चलाई जाती है, यह कहते हुए सस्ती बिजली के मुद्दे पर एनसीपी ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया है और आरोप भी किया है कि यह मांग प्राइवेट कंपनियों की तिजोरी भरने के लिए की गई है। सरकार भी हो सकता है कि अनुपम जी को नकल करने में बहुत ज्यादा उनको इच्छा हो, तो लेकिन नकल करना हमारा काम नहीं है। हम नकल से नहीं अकल से सरकार चलाते हैं। अगर अनुपम जी को नकल में शौक होगा तो उनके लिए हम कोई बात नहीं कर सकते। राज्य सरकार 13,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। मुंबई शहर में टाटा पावर को या रिलायंस को राज्य सरकार पैसा दे, अगर इस तरह से कोई मांग लाता है तो मुझे लगता है वो उचित नहीं है। एनसीपी के पास राज्य का बिजली विभाग है। मुंबई में 4 कंपनियां बिजली सप्लाई करती है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा टाटा और रिलायंस कंपनी का है। राज्य सरकार पहले ही घरेलू उद्योग और खेती के ग्राहकों को सब्सिडी देती है, इसलिए एनसीपी को लगता है कि और सब्सिडी देना संभव नहीं। महाराष्ट्र में 13,500 करोड़ की सब्सिडी महावितरण द्वारा यहाँ के ग्राहकों को दी जाती है। 9,000 करोड़ रुपया इंडस्ट्री और कमर्शियल यूजर्स पे ज्यादा दाम में बिजली बेच के 9,000 करोड़ रुपया डोमेस्टिक यूजर और जो किसान हैं या बुनकर हैं उनको सब्सिडाइज किया जाता है। महाराष्ट्र में बिजली पर 13,500 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है और ये बात सच भी है कि देश में सबसे महंगी बिजली महाराष्ट्र में मिलती है। लेकिन इस मुद्दे पर अब राजनीति शुरू हुई है तो एक दूसरे को झटके तो दिए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, मुंबई। शाम को प्रधानमंत्री के आवास पर